अगला सवाल मेरा डिजिटल को लेकर है, फिर उसके बाद सरकार की पॉलिसी को लेकर है। पहले मैं डिजिटल पे आपसे बात करता हूँ। पिछले कुछ सालों में देखें तो डिजिटल का एक रोल बढ़ा है। आप भी जब शो करते हैं तो उधर लगातार आपकी टीम ट्वीट करती रहती है, फेसबुक पे आप लाइव जाते हैं। बट सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होती है, बयानों को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है। कि जैसा कि आपने कहा कि आपकी क्लिप दिखा दी गई और उसी को वायरल कर दिया गया, तो डिजिटल मीडिया का बढ़ता प्रयोग, सोशल मीडिया और फेक न्यूज, इस पे आपके क्या विचार है? पहले तो आपने बहुत अच्छा होमवर्क कर रखा है मेरे ऊपर, आई रियली लाइक इट, थैंक यू। बट मुझे अच्छा लगता है जो लोग रिसर्च करते हैं। देखिए क्या है, इसमें हम लोग एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, वो है डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया, जो कि टीवी, प्रिंट, जो भी है। मैं टीवी की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं टीवी से हूँ। देखिए डिजिटल मीडिया अभी वो छोटा सा एडोलेसेंट है जिसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, फिर हमें सिखाना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों को बताना पड़ेगा। वो बड़े बुजुर्ग सरकार है। वो है, बड़े बुजुर्गों की अगर बात की जाए, वो बड़े बुजुर्ग सरकार या बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज, बड़ी बड़ी अगर मीडिया के, जिसको कहते हैं ना कि मीडिया के अलग अलग अगर वो बन जाए, जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग, मीडिया मॉनिटरिंग सोसाइटीज, मीडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो लोग डिसाइड करें, वो और सरकार मिलकर, वो बड़े बुजुर्ग हैं जो बताएंगे कि डिजिटल मीडिया में कैसे गड़बड़ हो रहा है, कैसे इसको ठीक करना है। और इसमें आप विदेशों से भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ हमसे ज्यादा एडवांस है डिजिटल। तो डिजिटल में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या फेक न्यूज वगैरह चल रही है तो उसको किया जा सकता है। दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। फेक न्यूज वगैरह है, ट्रोलिंग वगैरह है, बट वो है ना, छोटा बच्चा, एक छोटे बच्चे को कभी आप बैटिंग करते देखे, 10 बार दीवार में बैट मारेगा, एक बार बॉल में मारेगा, लगभग एक बार बॉल में मारेगा आप तारी मारेंगे, कमाल करते हो, आपको ही मालूम है छोटा बच्चा है। तो मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल मीडिया के कंपैरिजन में डिजिटल छोटा बच्चा है, लेकिन वो बहुत इनोवेटिव है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह कुछ और, वो बहुत इनोवेटिव है। तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन है, टीवी या प्रिंट वन वे कम्युनिकेशन। आपने डिसाइड किया, आपने बोला, वहां से बेचारा कोई कुछ नहीं बोल पाया, वो सुनना है उसको। डिजिटल में ही हैज द राइट टू कमेंट, ही हैज द राइट टू सर्कुलेट, ही हैज द राइट टू शेयर। द मोमेंट इट बिकम्स अ टू वे कम्युनिकेशन, यू आर मेकिंग हिम अ पार्टिसिपेंट। यस, तो जो न्यूज कंज्यूमर है वो न्यूज प्रोवाइडर भी बन जाता है। यू नो, तो जो न्यूज कंज्यूमर है वो ही इज एन ओपिनियन मेकर ऑल्सो। Why would he listen to your opinion makers? Why should he not be an opinion maker? Of course, he is an opinion maker. He has the right to vote. He has the right to choose his leader. पर निशान जी, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आज एक आदमी अपने कमरे में कैमरा लेके, लैपटॉप लेके एडिटर बना बैठा है, उसको मुद्दे की समझ नहीं है। जो समझ आपको है वो समझ उसे नहीं है, और वो कुछ भी थंबनेल लगा देता है, कुछ भी उसमें बकवास कर देता है, और वो, यू नो, आपने कहा ना, अब वो न्यूज़ प्रोवाइडर हो गया। यही तो प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसमें समझ नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी समझ के अनुसार वो चीज कर रहा है जिसमें उसको खुद को दिखाने का मौका मिले। हाँ, कई केस में हो सकता है, कई केस में ऐसा होता है, सेंसेशनलिज्म। लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ दैट यू नीड टू हैव वॉचमैन अराउंड, यू नीड टू हैव डोरकीपर्स, जो बड़े बुजुर्गों की आपने बात की। हाँ, तो मैं मतलब डोंट टेक मी, डोंट, आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू बी मिसकोटेड हियर कि मैं बड़े बुजुर्गों को वॉचमैन या डोरकीपर्स बोल रहा हूँ। नो, नो, ये आर द, ओके, रादर आई वुड से यू नीड टू हैव सम गाइडिंग लाइट्स, एंड दोज आर द गाइडिंग लाइट्स जो बताएंगे भैया आपने गलत किया, इसको ब्लॉक करो। बिल्कुल राइट, वो जरूरी है। लेकिन इमेजिन द ब्यूटी ऑफ अ मीडियम वेयर यू हैव द पावर टू कॉमेंट। यार, कमेंट करना कितना अच्छा लगता है, सोचो यार, एक इंसान अपना कमेंट देखता है कितना खुश होता है। मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखाता हूँ, ये आज से नहीं, कई साल पहले से, सिबा का गीत माला, याद है? आप तो बहुत छोटे हैं। सिबा का गीत माला, चुन्नू मुन्नू और इनके मम्मी पापा का मैसेज आया है कि इनको ये गाना सुनना है। अच्छा, हाँ। हम लोग सुना करते थे कि झुमरी तलैया से कोई ये सुनना चाहता है। हाँ सर, वो रेडियो, याद है? हाँ, रेडियो पे लोग अपना नाम सुनने के लिए कितने खुश होते थे, बैठे रहते, प्रिंट में लेटर टू एडिटर में अपनी बायलाइन।
तो लोगों का पार्टिसिपेशन तो पहले कम होता था क्योंकि मीडियम्स कम थे, अब मीडियम ज्यादा है. सी बेसिक ह्यूमन नीड इज सेम, एक्नॉलेजमेंट. दे वॉन्ट एक्नॉलेजमेंट, दे वॉन्ट रिकॉग्निशन. दे बेसिक ह्यूमन नीड्स रिमेन सेम, बट विद द चेंजिंग टाइम्स देयर एक्सपोजर इंक्रीजेस एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट. आप कैसे रोक सकते हो उनके पास आने से वो पावर? हाँ देखो, अगर बाढ़ का पानी आ रहा है तो आप उसको रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ उसको रोकने के लिए आप बांध बना सकते हो फॉर फ्यूचर, गाइडलाइन बनानी चाहिए. आप वो सारी चीजें तैयार कर सकते हो जिससे कि वो समझ जाए. अब सर गाइडलाइन जवाब ने वैसे आपके आपके अगले सवाल को भी प्रीएम्प्ट कर दिया, बट एनीवे दैट्स व्हाट माय जॉब इज.